हेलो गाइज, मैं हूँ गौरव और आज हमारे साथ है 2015 की यमा R15 वर्जन 2, जिसकी प्राइस थी 1,27,000 ऑन रोड मुंबई। आगे की तरफ देख सकते हो ट्विन हेडलाइट्स, एक डिपर के लिए एक अपर के लिए, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर और वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स। और टायर की साइज 100x80 R17 टायर से ये मैंने अपग्रेड किए। ओरिजिनल टायर साइज 80x90 R17 आती थी, देख सकते हो। और ये रहा उसका रेडिएटर। और ये जो इंडिकेटर्स है ये कोई LED अवेलेबल नहीं है। बाइक काफ़ी स्पोर्टी लगती है, आप देख सकते हो। अभी चलते हैं साइड की तरफ। तो ये रहा इसका इंजन, 149 cc लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर, जो कि 17 PS की पावर जनरेट करता है और 15 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये हीट शील्ड है और ये ऑयल चेक करने के लिए। और ये रियर ब्रेक फ्लूइड, काफ़ी स्पोर्टी लगती है बाइक, आप देख सकते हो। और ये जो कलर है वो काफ़ी ब्राइट है, तो काफ़ी अटेंशन ग्रैब करता है। रियर की तरफ चले तो रियर पे भी वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल है। और रियर टायर की साइज़ है 140x70 R17, लेकिन जो ओरिजिनल साइज़ आती थी वो थी 130x70। यहाँ पर भी नॉर्मल इंडिकेटर्स, लेकिन ये जो ब्रेक लाइट है ये सिर्फ LED है। आप देख सकते हो बाइक काफ़ी स्पोर्टी लगती है। और ये 6-speed गियर बॉक्स के साथ आती है। सिर्फ इसका एक ही प्रॉब्लम है, पिलियन सीट काफ़ी ऊंची है, तो उससे जो पीछे बैठता है उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। और पीछे मोनोशॉक आता है, जो कि ये जो रियर मोनोशॉक है वो काफ़ी स्टिफ है। आगे के शॉक एब्जॉर्बर्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत कंप्लाइंट है, लेकिन पीछे का जो मोनोशॉक है वो काफ़ी स्टिफ है। और ये जो बाइक है वो आपको प्रॉपर बिग बाइक फील देगी। और इसकी अगर ये रियर सीट ओपन करें तो यहाँ पे कुछ सामान रख सकते हो और यहाँ पे टूल किट रहता है, टूल किट पेपर्स वगैरह आप रख सकते हो, उतनी स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। इसका जो टॉप स्पीड है वो 144 किलोमीटर पर आवर का है। यहाँ पे इंजन किल स्विच, हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पे इंजन स्टार्ट करने के लिए, यहाँ पे नीचे हॉर्न, इंडिकेटर्स, अपर डिपर के लिए और पास लाइट स्विच। और ये जो दो स्क्रूज दिख रहे हैं आपको, ये राइट और लेफ्ट हेडलाइट लेवल करने के लिए, जैसे गाड़ियों में होता है हेडलाइट लेवल करने के लिए, वैसे इसमें भी है। अगर ये स्क्रूज आप घुमाओगे तो हेडलाइट जो है इधर की, लेफ्ट की हेडलाइट जो है वो ऊपर नीचे जाएगी, जिससे आप बीम एडजस्ट कर सकते हो। और इसके जो मिरर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा व्यू प्रोवाइड करते हैं। और ये जो फ्यूल टैंक है ये फुल मेटल की है, ये एक अच्छी बात है। और 12 लीटर्स की इसकी कैपेसिटी है। और यहाँ पे टैकोमीटर मिलता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे फ्यूल लेवल, यहाँ पे टेल लाइट्स, ओडोमीटर। और अगर ये बटन प्रेस करोगे तो दो ट्रिप मीटर अवेलेबल है, ट्रिप 1 ट्रिप 2, बस इतना ही अवेलेबल है। कोई एवरेज या डिस्टेंस टू MT वगैरह कुछ इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है। इधर एक गियर इंडिकेटर दे देते तो काफ़ी अच्छा हो जाता था, लेकिन वो वर्जन 3 में अवेलेबल है। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, कौन से भी स्पीड ब्रेकर या पोर्टल पे बाइक टच नहीं होती नीचे से। बाकी बाइक जो है वो बहुत अच्छी है, 9200 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट चल चुकी है। और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है और कलर जो है वो अभी तक फेड नहीं हुआ है, काफ़ी ब्राइट है कलर। तो यही था मेरा आज का वीडियो 2015 यामा R15 वर्जन 2 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगले ऐसे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।